हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडिया का सबसे मस्ट पॉपुलर बुक और सबसे ओरिजिनल, सबसे बढ़िया बुक प्लेन टू पैरामाउंट। इसके वर्ड को, इसके वोकैबुलरी को हम लोग सबसे बेस्ट वे में, वर्ड को, एंटो, साइनो, आप लोगों को जितना भी कॉमन है, एकदम इंटरेस्टिंग वे में सबको समाप्त करेंगे। कोई भी अगर जो तैयारी कर रहे होंगे एसएससी वगैरह का, उनको पता होगा ये बुक क्या चीज है ना। या अपना पड़ोसी, अपना दोस्त, अपना भैया वगैरह, जो सिस्टर वगैरह तैयारी की होगी, उन सब से पूछ लीजिए, फिर पढ़ना शुरू कीजिए। और मैं बिना प्रेशर के पूरे बुक को समाप्त करूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए हम लोग वर्ड, 10 वर्ड आज करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आप लोग के सामने अभ्यास। अभ्यास मतलब होता है नीचा दिखाना। अभ्यास मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। अभ्यास, अभ्यास मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। मतलब क्या होगा? डिग्रेड। ग्रेड अपना डी नहीं कीजिए, ग्रेड अप करना चाहिए। ग्रेड अप कीजिए, अपने ग्रेड को अप कीजिए, अपने लेवल को बढ़ाइए, नहीं तो लोग आपको जहां पाएंगे वहीं पे आपको क्या कर देंगे? नीचा दिखाना देंगे, आपको नीचा दिखा देंगे, उसके कारण आप लज्जित हो जाइएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखा दे तो आप लज्जित हो जाते हैं, मतलब अभ्यास कर दे तो आप रियल में अभ्यास हो जाते हैं। इसको भी अभ्यास बोलेंगे, इसको भी अभ्यास बोलेंगे। तो ए बी ए एस ई, अभ्यास मतलब नीचा दिखाना। ए बी ए एस एच, अभ्यास मतलब लज्जित करना, है ना। लज्जित कर देंगे, अपने अप, अपने ग्रेड को अप कीजिए भैया, नहीं तो लोग छोड़ते नहीं है, मौका के तलाश में रहते हैं। और जब आपको लज्जित कर देंगे ना पार्टी वार्टी में, तो आपको अपने आप में टू एम्बैरेस फील होगा, शर्मिंदगी महसूस होगा, है ना। तो अपने ग्रेड को अप कीजिए, नहीं तो डी ग्रेड वाले का कोई वैल्यू नहीं है। ओके जी, तो चलिए, अभ्यास मतलब लज्जित करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अवेटर। अवेटर मतलब होता है बूचर खाना। अवेटर मतलब होता है बूचर खाना। अवेटर मतलब बूचर खाना। बूचर खाना समझते हैं, कसाई खाना, जहां पे जानवरों को मारा जाता है। क्या बोल रहा है? प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, जहां पे जानवरों को मारा जाता है, जानवरों की हत्या की जाती है, कसाई खाना, है ना। अब पगला कहां कर रहा है पता है? एतवार के बाद, अब एतवार, अब तो अवेटर मतलब क्या, इसको लिंक कर लीजिए, अब एतवार, अब एतवार, अब एतवार के एतवार वो कहां जाता है काम करने? बूचर खाने पे, कसाई खाने पे काम करने के लिए जाता है। कब कब? अब इतवार के तो अवेटर, 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 अब इतवार को अवेटर जाता है, अब इतवार को अवेटर जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना। एब्डिकेट मतलब त्यागना। एब्डिकेट मतलब त्यागना। अब डकैत लोग, डकैत समझते हैं, चोर डकैत सुने होंगे, यस। अब डकैत लोग अपना ड्यूटी, अपना पद त्याग रहे हैं। अब डकैत लोग अपना पद अबडिकेट कर रहे हैं। अब डकैत लोग अपना पद अबडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि अब डकैती में मजा नहीं है यार, डकैती में कुछ हाथ नहीं लगता, जितना लगता नहीं उससे ज्यादा तो पकड़ लेते हैं दरोगा जी, कहते हैं अरे बाबू, है ना। तो अब डकैत लोग अबडिकेट कर रहे हैं, मतलब गिव अप कर रहे हैं, अपने पद को गिव अप कर रहे हैं, मजा नहीं आता है यार, बेनिफिट नहीं है, बिना बेनिफिट के मजा कैसे आएगा, है ना। तो अब डकैत लोग अपना पद को क्या कर रहे हैं? गिव अप कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। ओके जी, एक है एबेरेंट। एबेरेंट मतलब होता है असामान्य, है ना। एबेरेंट मतलब असामान्य, सामान्य से अलग, सामान्य से अलग, नॉर्मल नहीं है भैया, अब नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल, असामान्य, असामान्य, क्लियर ना। एवरेंट, 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 है ना। नॉर्मल नहीं बनिए, एबनॉर्मल बनिए, लाइफ का पर्पस होना चाहिए एबनॉर्मल, पीक पे जाइए, सामान्य नहीं, जनरल पर्सन नहीं, एबनॉर्मल बनिए, एबनॉर्मल, असामान्य, जिसे आपसे मिलने के लिए लोग तरसे, है ना, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एवरेंट, एवरेंट। अगर ये एवरेंट नहीं याद होता है तो याद रखिए, एक मूवी देखे होंगे आप लोग, धमाल। धमाल मूवी में जो दोस्त सब जो रहता है ना, वो पगला सब कभी रेंट वेंट नहीं भरता, रेंट भरता नहीं है, लेकिन एक दिन कहीं से उपाय करके ले आता है, तो रूम मालकिन जो होती है ना, वो घबराती है, अरे यार एवरेंट, ये तो असामान्य सी बात कर रहा है तुम यार, तुम लोग से तो हम कभी उम्मीद भी नहीं किए थे तुम लोग कभी रेंट देगा, लेकिन बहुत अच्छी बात बच्चे, है ना, तुम लोग ना एवरेंट वर्क कर दिया आज, तुम लोग एवरेंट वर्क कर दिया। नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने है
एविडेंट, अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब होता है, अबेटमेंट मतलब होता है दुष्प्रेरण, अबेटमेंट मतलब होता है दुष्प्रेरण, अबेटमेंट मतलब होता है दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरित, एक होता है प्रेरित करना, है ना, एक क्या होता है किसी को आप प्रेरित कर दीजिए किसी भी काम के लिए, है ना, इंक्रीज कर दीजिए, और एक होता है क्या कर दीजिए, अबेटमेंट कर दीजिए, अबेटमेंट कर दीजिए मतलब क्या, दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण क्या बोल रहा है, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, है ना, गलत तरीके से काम करना सिखा दिया जिससे वो कभी सक्सेस ना हो, है ना। अब बैटमैन, अब बैटमैन, आजकल कल जो बैटमैन हो रहे हैं, एक सचिन वगैरह जी हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, लोगों को इम्प्रेस करते थे, लोगों को इंक्रीज करते थे, लोगों को आगे बढ़ाते थे, है ना, सिखाते थे, मोटिवेट करते थे। बट आजकल के क्या हो रहे हैं बैटमैन सब, अबेटमेंट होते जा रहे हैं, आजकल के बैटमैन सब क्या हो रहे हैं, अबेटमेंट हो रहे हैं बैटमैन सब, अबेटमेंट मतलब लोगों को दुष्प्रेरित करें, नो, दुष्प्रेरित नहीं करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट अभ्यांश, अभ्यांश मतलब होता है निलंबित अवस्था, सुप्त अवस्था, आलसीपन, अभ्यांश मतलब निलंबित अवस्था, सुप्त अवस्था, आलसीपन मतलब क्या है, सस्पेंडेड एक्शन, है ना, आलसीपन, आलसी, 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 है ना। अभ्यांश, अभ्यांश को लिंक कर लिए यान, हवाई जहाज को यान बोलते हैं ना यार, यान अपना यहां से ना दिल्ली जाने में बस वन आवर एक घंटा में यूं पटना से दिल्ली, है ना। अब यान, अब कोई व्यक्ति यान में सो जाए वो व्यक्ति एकदम सुस्त है, आलसी है, है ना, तो क्या, अबे यान, अबे यान में अभ्यांश हो गया, मतलब अभ्यांश मतलब सुप्त अवस्था, आलसीपन, हद है जी तुम, है ना, तो अभ्यांश मतलब निलंबित अवस्था, आलसीपन, है ना। अभोर, अभोर मतलब घृणा करना, अभोर मतलब घृणा करना, अभोर करना, घृणा करना, पापा अब हमें भोर में उठने से अभोर होता है, पापा अब हमें भोर में उठने से अभोर हो रहा है, पापा अब भोर में हम उठ नहीं सकते, हमें ना भोर में उठने से अभोर सा फील होता है, घृणा होता है, नफरत होता है, मैं भोर में ना उठ पाऊंगा, अभोर होता है, क्यों नहीं उठ पाओगे बच्चे, तो अभोर होता है, अभोर मतलब घृणा, नफरत, है ना, अभोर मतलब डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट, बोला ना, आई हेट यू, ओहो आई हेट यू, नफरत, अभोर मतलब घृणा करना, हेट मतलब घृणा करना, डिसलाइक मतलब घृणा करना, डिटेस्ट मतलब घृणा करना, ओके जी, तो क्या है अभोर, पापा भोर में उठने से हमें अभोर होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है आप लोग, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट में बुरी हालत में, एब्जेक्ट मतलब बुरी हालत में, बाप रे हालत बहुत खराब है, बुरी हालत, एब्जेक्ट मतलब बुरी हालत में, एब्जेक्ट हाल बुरा हो गया, एब्जेक्ट मतलब बुरी हालत में, क्या करेंगे पता है, यहाँ पे एक्सट्रीमली पुअर, जरूरत से ज्यादा गरीब व्यक्ति, सुदामा सुने हैं, सुदामा कृष्ण जी के जो दोस्त है सुदामा, हाँ वो क्या थे, एक्सट्रीमली पुअर, है ना, बोल रहा है क्या, और अनहैप्पी, जो एक्सट्रीमली पुअर होते हैं ना वो खुश नहीं, जरूरत से ज्यादा गरीब बेचारा, अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब क्या, बुरी हालत में, बुरी हालत में, याद रहेगा एब्जेक्ट, एब्जेक्ट को याद करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट से याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट आप लोग जानते होंगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानते हैं ना, यस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम लोग सेंटेंस में बात करते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है सब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है पता है, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस बाई सब्जेक्ट, वैसा शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए, वैसा शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए, जो सब्जेक्ट के कारण टूट जाए, गिर जाए, पड़ जाए, छूट जाए, मोटा हो जाए, छोटा हो जाए, ऐसे को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वही तो एब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वही तो एब्जेक्ट है, एब्जेक्ट मतलब बुरी हाल में, अब किसी को आप धो दीजिए दबा के दो चार फैट, अब पूछिए उसका हाल क्या है, तो भैया आप जब से किए हैं ऑब्जेक्ट मेरा, तब से मेरा हाल हो गया है एब्जेक्ट, एब्जेक्ट बहुत बुरी हाल में है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एब्ज्योर, एब्ज्योर मतलब होता है सौगंध खाकर त्याग देना, है ना, एब्ज्योर मतलब क्या है ना, सौगंध खाकर त्याग देना, एब्ज्योर, 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 है ना, क्या बोल रहा है, रिनाउंस ऑफ
अपॉन ऑथ, है ना, रिनाउंस अपॉन ऑथ, रिनाउंस अपॉन ऑथ, है ना, सौगंध खाकर त्याग देना। जैसे देखिए लड़का सब ना बहुत थोड़ा बदमाश होता है, अब एक देखा कहा बाप एकदम बेजोड़, है ना, अब एक बार वो तो लगा बेजोड़, अब उसका ना आदत सुधरता नहीं है, क्या है, आदत सुधरता नहीं है, जब आदत नहीं सुधरता है ना तो जैसे जब जब देखेगा कहेगा ओ एकदम बेजोड़ 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 कहेगा। एक बार जिसको पहली बार बोला था बेजोड़ और दोस्ती हो चुका था, बहुत दिनों से बात हो रहा है, लेकिन वो देख ली किसी और को बेजोड़ कहते हुए, अब आप जिससे बात करते जिस और वो आपको देख ले किसी और को करे यार एकदम बेजोड़ है, तो वो क्या कर देगी आपको पता है, एब्जोर्ड कर देगी, एब्जोर्ड कर देगी। अगर आपको बोले दूसरे को, यदि आप बोले दूसरे को बेजोड़ तो समझ जाइए आपको अपनी वाली कर देगी, आपको एब्जोर्ड सौगंध खा के आपको त्याग देगी। अब उसका तो भरोसा नहीं, हाथ लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन ये कन्फर्म है जो क्या काम से। तो इसीलिए जब एक मिल जाए तो बस संतुष्टि के साथ रहिए, अगर बार बार किसी को कहते रहे बेजोड़ तो अपनी वाली कर देगी आपको एब्जोर्ड। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा होगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग में भी पूरे वर्ड ये बुक को हम लोग समाप्त करेंगे, और ज्यादा प्रेशर नहीं, 10-10 डेली डोज, 10 वर्ड 10 क्वेश्चन डेली डोज, है ना। तो आज हो गया वर्ड, कल आएगा क्वेश्चन, फिर वर्ड फिर क्वेश्चन। तो अपना जितना दोस्त है सबके भी शेयर कीजिए, इंडिया के सबसे इंटरेस्टिंग वे में बिना प्रेशर के अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो निर्माण इंग्लिश आपके लिए बहुत आवश्यक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।